धुआं का क्या? धुआं धुआं धुआं, ये देखो। ओ भाई तो इसके पेंट कब करेगी? तुम तो खुद पताई वाली हो। आंटी भी करूंगी ना पेंट यार, अभी थोड़ी देर में बस ना उसमें निपटा लो जल्दी से, अच्छा लगेगा वो। हाँ हाँ आंटी, एक बार हंस के दिखा दो यार। ओ भाई आपने तो अर्चना पुरन सिंह को भी पीछे छोड़ दिया। सही आंटी सही है, अभी पेंट करेंगे उसमें। आंटी एक बार हंस के दिखा दो। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो मेरा व्लॉग है ना, वो घर से ही रिलेटेड है। आज मेरी फैमिली मेरे साथ है, आज घर पे ही है। तो आज हमने शॉप भी नहीं खोली, आज छुट्टी है। तो अभी हम घर की सफाई भी करेंगे, घर का काम धाम भी करेंगे, तो आपको दिखाते रहेंगे, ठीक है? तो अभी ना मम्मी कर रही है थोड़ी सी सफाई, और चलो देखते हैं, मम्मी से पूछते हैं, बात करते हैं थोड़ा सा। तो मम्मी क्या कर रहे हो आज आप? आज मैं सफाई कर रही हूँ बेटा, टाइम ही नहीं लगता वैसे। वैसे काम पे चले जाओ सुबह से रात तक 9-10 बजे तक। तो आज मैंने कहा संडे है, आज दुकान क्लोज है, तो मैंने कहा सफाई कर लेती हूँ आज ना। ना ना सही है, सफाई तो करनी चाहिए, गंदगी हो बहुत ज्यादा। पापा देखो यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, पापा वहाँ मंदिर की सफाई कर रहे हैं, बस सब काम पे लगे हुए हैं। तो देखो फ्रेंड्स, अभी सब मम्मी भी लगी पड़ी है अपना सफाई करने में, पापा भी कर रहे हैं मंदिर की, और मैं भी अभी यहाँ का झाड़ू वाड़ू मारूंगी, झाड़ू पोछा करती हूँ। पहले मैं थोड़ा ना चाय बना लेती हूँ, चाय दे देती हूँ, और चाय बना के आपसे मिलती हूँ। दूध मम्मी, दूध बाहर आ गया था बैंकर की, ये देखो। मेरी मम्मी ने बताया भी नहीं कि दूध रखा होता है। मम्मी बता दो, ठंडे में काम पे लगी रही थी ना। अच्छा अच्छा, मैं बना रही हूँ दलिया। तो भाई दोस्तों, आज देख लो, आज तो बन रहा दलिया नाश्ते में, ठीक है? क्योंकि आज छुट्टी है, संडे के दिन देखो, संडे फंडे, और संडे के दिन तो कुछ स्पेशल तो बनना ही चाहिए। तो हम ना आज दलिया बना रहे हैं, जो हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, और वैसे भी चलो यार दलिया तो खाना ही चाहिए, तो हम नाश्ते में आज दलिया खाएंगे, ठीक है? तो मम्मी आज है संडे, आज है छुट्टी, तो आप क्या मतलब क्या सोच रहे हो, आप क्या करेंगे आज पूरे संडे में? मतलब कुछ तो करेंगे यार पूरे दिन भर में। घर की सफाई कर रहे हैं। अच्छा, और कहते हैं वो करेंगे, दुकान में जाएंगे, अपने काउंटर की पेंट पुताई करेंगे, गंदगी हो रही है बहुत ज्यादा, वो हमारी रोजी है ना, उससे हमें 2 पैसे मिलते हैं, इसलिए उसका काम करेंगे उसमें। हाँ वो तो सही बात है, मैंने भी यही सोचा था, मैंने कहा आज घूमने वूमने कहीं नहीं जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। अभी क्या करते हैं हमारे, मैं आपको ये बता रही थी दोस्तों कि जो हमने दुकान है ना, दुकान में क्या था, रोड के साइड में है वो, क्या होता है ना, गाड़ी चलती है, कार चलती है, तो पानी वहाँ पर इकट्ठा होता है ना, वो छिट्टे लग जाते हैं पूरे उसमें ना, काउंटर में हमारे। तो हमने ये सोचा कि हम उसको थोड़ा सफाई करेंगे, आज आज छुट्टी है, सफाई करके आएंगे, उसमें कलर करके आएंगे। तो हम दिखाऊंगी भी आपको मैं कलर कर रही हूँ, कैसे कर, मैं ही करूँगी, मैं और पापा दोनों जाएंगे, बाकी मम्मी भी घर का भी कर रही है, और साथ में हैं हम। अभी देखते हैं दिन भर में क्या होता है। अभी तो मम्मी बना रही है दलिया, देख ही रहूँगी आप, दलिया भी बन रहा है। तो बस अब धीरे धीरे देखते हैं क्या क्या करते हैं पूरे संडे में, क्योंकि संडे में तो मोस्टली ज़्यादा काम ही रहता है, क्योंकि सुबह चले जाते हैं मम्मी लोग 6 बजे, और सीधे रात को आते हैं 10 बजे, तो टाइम नहीं लग पाता ना घर में। और फिर मेरा भी बाहर का काम भी होता है, घर का भी रहता है थोड़ा बहुत, तो संडे में ही हम एक हफ्ते में ही अच्छे से सफाई करते हैं, ठीक है? तो अभी मिलते हैं आपसे, और अभी चाय भी बन रही है, चाय भी रख रहे हैं साइड में, तो चाय पीएंगे, भी चाय बनाते हैं, और चाय बना के तो हम पीएंगे, तब आपको दिखाई। मम्मी पानी कूड़े वाले भैया, कूड़ा डालने से कूड़ा डालते हैं अंदर तो नहीं कुछ, तो ये कूड़ा कूड़ा डालते हैं। कूड़े वाले भैया आ गए, अरे कहाँ गए, आ गए भैया, भैया आ गए, तो भैया कूड़ा उठाओ, चल लो फटाफट से कूड़ा डाल लें, कूड़ा भैया। तो दोस्तों आप देख रहे हो, आज तो पूरा फैला हुआ है कसम से, आज देखो यहाँ पूरा, क्योंकि जब सफाई हो रही है ना अभी, पूरा फैल रखा है, देखो ये देख रहा है। दोस्तों अभी ना लाइट भी चली गई है, और दिन के बज रहे हैं अभी 3, और पता है हमने खाना वाना सब बना लिया है, बस खाना खाना था, लेकिन क्या होता है लाइट चलेगी तो मम्मी पापा कह रहे हम तो खा लेते हैं, तू बाद में खाना, क्योंकि मेरा भी मन नहीं कर रहा है वैसे खाना खाने का। और बाहर का जो वेदर है ना, बाहर बारिश हो रही है तकड़ी वाली। अभी ऐसा करते हैं आपको ना बारिश दिखानी है ना, छत में चलते हैं, ठीक है? छत में चलो मेरे साथ, और हम आपको बारिश भी दिखाते हैं, मजे करते हैं बारिश में हम लोग तक। Something out of my mind.
कहाँ जा रही थी आज? अरे यार छत में जा रही हूँ, तुमको पता है बारिश कितनी अच्छी हो रही है, देखो कितना अच्छा लग रहा है, तो मैंने सोचा छत में घूम के आऊँ। ठीक है, तो क्या करती है भाई? मुझे मारी है चलते यार। दोस्तों देखो छत में इतना बारिश दिखा दो आपको, खतरनाक वाली हो रही है। With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain I bring. You don't ever wanna give me more. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my lay dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. भाई दोस्तों बारिश तो बहुत तकड़ी हो रही थी, तो मैंने सोचा हम नीचे चलते हैं भैया, बारिश में ज़्यादा देर हम छत में नहीं रह सकते, तो नीचे आए हैं। थोड़ा सा अपने मौसमी है ना, एक मौसमी खा दिया, खाना खाने का मन तो नहीं हो रहा, ये मौसमी है देखो, तो मौसमी खाते हैं। ठीक है, मौसमी खा रही हूँ मैं। तो दोस्तों मौसमी मैंने खा ली है, मौसमी बोला मैंने एक था लेकिन खाई मैंने चार हैं। ठीक है, मज़ा ही आ गया। अब मम्मी भी लेटी है बगल में, ठीक है मैं भी लेटी हूँ, थोड़ा ऐसी लेट रखे हैं, और अभी क्या कहते हैं लाइट भी नहीं है ना, क्योंकि करना भी क्या है, लाइट भी नहीं है। थोड़ी देर में मिलते हैं, चाय पानी बनाएंगे तब मिलते हैं आपसे। ठीक है, तो दोस्तों मैं बनाने आई हूँ चाय। ठीक है, चाय बनाते हैं, और चाय बना के हम ऐसे करते हैं, चलते हैं अंदर, मम्मी पापा को चाय देती हूँ और खुद भी लेती हूँ चाय। जस्ट चाय, चाय, जस्ट चाय। तो चाय मेरी बन गई है, मैंने मम्मी पापा को। क्या हो गया? दिए नहीं बेटा पैसे। ओह शिट, ओहो चाय गिर गई, शिट यार। मम्मी सॉरी यार, सॉरी, थोड़ी चाय गिर गया, मैं इसे सही कर देती हूँ ना, साफ कर देती हूँ, हो जाता है कभी कभी। क्यों गिराई है चाय? गिर जाती है मम्मी कभी कभी। ऐसे गिराई जाती है चाय क्या? अरे गिर गई तो क्या होगा, साफ कर देंगे ना, मारे तो कर देंगे ना मम्मी। यार फालतू में गुस्सा होता रहते हो हमेशा, गुस्सा गुस्सा गुस्सा, कभी कदे हंस भी लिया करो। तो मम्मी मैंने आपको चाय दी है, चाय तो पी लो। ये देखो, ये बनाइए दोस्तों, ये है चाय। ठीक है, गिलास में पीते हम चाय, गिलास का स्वाद थोड़ा अलग होता है ना। मम्मी चीयर्स, मम्मी चीयर्स, चीयर्स। मस्त होनी चाहिए। कैसी लगी? मस्त मस्त भाई। धुआं कहाँ से आ गया? धुआं धुआं धुआं, ये देखो। ओ भाई, ओ भाई, व्हाट अ शॉट मैन। जितनी हम बादलों की शेयर कर रहे हैं, देखो ये है मच्छरों की दवाई शायद। कमरों में करो,
उड़े जैसे हवाएं गगन गगन उड़े जैसे परी। तो भाई अब पीते हम चाय। सही बनी थी ना मम्मी चाय, अच्छी लेना। जितनी तू मिलती चाय उतनी लगे थोड़ी थोड़ी, जितनी तू मिलती चाय उतनी लगे थोड़ी थोड़ी। भाई दोस्तों अभी ना हमने चाय पिया और मैं आपको एक चीज बताऊं, मम्मी ने अभी मेरे को बोला है एक काम, तो हमें थोड़ा मार्केट जाना पड़ेगा। मम्मी और मैं दोनों जाएंगे मार्केट, ठीक है, और मार्केट जाके ना हमें ना कुछ लेके आना है वहाँ से, वो बहुत ज़रूरी है हमारे, वो भी लेने जाना है क्योंकि हमारे दुकान में कुछ सामान है वो लेके जाना है। तो मम्मी और मैं जा रहे हैं दोनों, तो हम आपको दिखाएंगे रास्ते में, ठीक है। मार्केट से जो सामान लेंगे ना अभी दुकान के लिए लेना जो, तो वो दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो बने रहना मेरे ब्लॉग में, ठीक है। आ गए थे अभी घर, अभी आए हैं और हम थोड़ा सा दुकान के लिए थोड़ा थैला वगैरह था वो लेके आए, बरसाती लेके आए हैं टीन के ऊपर लगाने के लिए, और थोड़ा सा बस कलर लेके आए हैं, अपने काउंटर को चमकाएंगे हम, ठीक है। तो बाकी अभी पापा को दिखाते हैं, पापा तो गए नहीं, मम्मी और मैं गए थे, पापा घर पे थे, तो मम्मी को पापा को दिखाते हैं कि थैला कैसे कैसे है ना, ठीक है। और अभी दिखाते हैं अभी हम क्या क्या लेके आए, हमारी शॉपिंग दिखाते हैं आज आपको। तो मम्मी बताओ आप क्या क्या लेके आए, बता के भाई क्या क्या लेके आए। ये है शीशा, ये हम शीशा लेके आए, ठीक है। ये है चाय बनाने के लिए, चाय छन्नी दुकान के लिए, ठीक है। ये लाए हैं, ये वाली ठीक है, दुकान के लिए ताला। और ये है पराठे लाते ना, पराठे, हाँ पराठे वगैरह मैश करने के लिए, ये लाए हैं मैश करने के लिए, ये पराठा के लिए नहीं करते आलू मैश। और तो ये बेटा थैला लाए, थैला और हाँ बस ये आज की शॉपिंग है हमारी, दुकान के लिए सामान लेके आए हैं। पापा ये लेके आए हम दुकान के लिए ना, वहाँ थैला वगैरह कैसा है, ठीक है थैला आ जाएगा वैसे। और बरसाती तो देख लो, बरसाती भी लेके आए हैं ऊपर, उसमें टीन के ऊपर लगाने के लिए ना, ठीक है ना, ठीक है ना। कितने का है ये? ये पापा 450 के बोल रहा था, वो थोड़ी बहस करी उससे, 350 में दे दी उसने। तो मैंने बताया था कि 350 मैंने बोला था, पापा ये बोल रहे 350 की, तो 350 दे दी उसने। बाकी थोड़ा सा वो काउंटर में देखो कलर वगैरह नहीं है जो करने के लिए, वो लेके आ गई हूँ मैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये है मेरी मम्मी, मेरी मम्मी और मेरी शक्ल मिलती है क्या, आप कहाँ देख रहे हो मम्मी, यहाँ देखो मम्मी और मेरी शक्ल मिल रही है, जरा कमेंट करके बताना, सीधे रहो मम्मी डाल सकती कौन से, सीधे रहो, मिल रही मम्मी और मेरी शक्ल कि नहीं मिल रही, नहीं मिल रही ना। दोस्तों हम सामान लेके मार्केट से आ गए थे, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया था, बस अब क्या करना है कि अब वो जो मेरा सामान है जो मैंने पेंट वगैरह लेके आई हूँ, पेंट कुच्ची और एक ऑयल होता है वो भी लेके आई हूँ साथ में, तो वो सब लेके जाएंगे हम दुकान में, और दुकान को जरा करेंगे चमा चम चका चक करेंगे एकदम, ठीक है, क्योंकि वो हमारी रोज़ी, और रोज़ी को थोड़ा रोज़ी बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम वहाँ जाके और मैं कलर करूँगी, मैं पेंट करूँगी उसमें। चलो दोस्तों अब ऐसा करते हैं, चलते हैं दुकान की तरफ, पेंट हमने कर लिया है, ठीक है।
करेगी, तुम तो खुद पताई वाली हो। आंटी भी करूंगी ना पेंट यार, अभी थोड़ी देर में बस ना, बस उसमें निपटा लो जल्दी से, अच्छा लगेगा वो। हाँ हाँ आंटी, एक बार हंस के दिखा दो यार। ओ भाई, आपने तो अर्चना पूरण सिंह को भी पीछे छोड़ दिया। सही आंटी, सही है, अभी पेंट करेंगे उसमें। आंटी एक बार और हंस के दिखा दो, देख लो मजे। देखो दोस्तों, ये है हमारी फेवरेट आंटी, जो कि बस हंसते रहती है, हंसते रहती है, हंसते। अब देखो पीछे चल रहा होगा साउंड, चल ही रहा है अभी, ठीक है। तो अभी बस अभी पेंट करना है, आंटी ने भी बोल दिया पेंट करो, जल्दी जल्दी चमकाओ से फटाफट से। आंटी एक बार और हंस के दिखा दो। देख लिया, तो चलो अभी पेंट करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। अगर आपसे नहीं आता हमें लगा लो, आप कर लो आंटी पेंट। हम करते हैं, कर जैसे बनेगा उल्टा सीधा पेंट करेंगे। उल्टा सीधा ही तो नहीं करना, उल्टा सीधा तो कोई भी कर देगा, मम्मी कर देगी, करना मुझे है ना आंटी। आप करो अच्छे से, आंटी बनाओ हंस के दिखा दो। चलो आंटी एक बार बाय बाय कर दो, बाय 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 बाय। तो दोस्तों अब हम करेंगे पेंट इस पे। देखो अभी इसकी हालत कैसी हो रही है, थोड़ा अभी इसमें ग्रीन कलर करा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है, मतलब इसमें थोड़ा नया कलर करेंगे इसको, ब्लू करेंगे इसको, ठीक है। और ये वाला ब्लू करेंगे, ये वाला ब्लू, ठीक है। आप देख रहे होंगे इसमें कर रखा है अभी ग्रीन कलर, जो कि कहीं आगे पीछे तिरछा अलग अलग कलर है, इसको करेंगे, ठीक है। अब इसको चमकाएंगे हम, जब इसमें कलर कर दूंगी मैं, पहले तो मैं कलर करते हुए दिखाऊंगी आपको, बट जब कलर हो जाएगा तभी भी मैं आपको दिखाऊंगी, ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं। देख रहे हो कितनी भयंकर हो गई है, ये देखो कलर कहीं बालों में लग गया है, कहीं कहीं लग गया है, कहीं कपड़ों में लग गया है, ये देखो। बट फिर भी मैं आपको दिखा दूँ बाहर से, जो मैंने अभी किया है ना बाहर का, देखो कैसा लग रहा है, ये देखो। अभी तो प्रॉपर तरीके से पूरा होगा, फिर देखो ऐसे चमक जाएगा, ठीक है। दोस्तों फाइनली हमारा काउंटर हो गया है रेडी, ठीक है। पूरे हाथ में देखो बड़ी मुश्किल, देख रहे हो बड़ी मुश्किल से निकले हैं यार, ये कौन सा ऑयल होता है उससे बड़ी मुश्किल से निकाला है। तो मैं आपको बता दूं, अभी हमारा काउंटर एकदम चकाचक मस्त हो गया है रेडी, तो मैं अभी आपको उसका लुक दिखाती हूँ, ठीक है। बताना आप कैसा लग रहा है, क्योंकि मेरे को तो बहुत 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 अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको लगा दिया, A1 हो गया, A1, ठीक है। तो चलो मैं आपको काउंटर दिखाती हूँ अपना। तो दोस्तों ये देखो मैंने फाइनल लुक हमारे काउंटर का कैसा लग रहा है, बताऊँ
तो दोस्तों फाइनली मेरा काउंटर रेडी हो गया था, पेंट भी मैंने कर ही दिया उसमें और आपको दिखा भी दिया है, ठीक है। तो मैं इस अपने इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, जरूर कर देना। देखते हो आप सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो सबसे पहले तो, ठीक है। तो मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक ले बाय।